प्रदेश में जो डिप्रेशन होने के चलते बारिश गुजरात राज्य को रिसीव हुई 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में, ये नॉर्थ गुजरात से एंटर करके डिप्रेशन कच्छ के रास्ते अरेबियन सी में गया और इसके चलते इसके पेरिफेरी में लगभग पूरा समग्र राज्य आ गया और सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बरसात हैवी रेनफॉल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमने रिसीव किया। अभी सारे रीजन्स में 100% के ऊपर बरसात हो चुकी है। इस दरमियान माननीय मुख्यमंत्री श्री के निर्देश पर कई वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ, विभागीय सचिवों के साथ, और उसमें ये महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए कि किसी भी तरीके से जो जान और माल का नुकसान हो उसको कम से कम किया जा सके। बिजली पड़ने से, दीवार गिरने से, बारिश ज्यादा होने से बह जाने के चलते डेथ्स हुई, जिनमें हमने तात्कालिक राज्य सरकार और एसडीआरएफ की ग्रांट से उनको 4 लाख रुपए का जो सहाय होता है वो दिया। और इसके साथ साथ कैश डोज, क्योंकि कई जगहों पे पानी भर जाता है तो जो गरीब लोग होते हैं उनको तत्काल कैश की जरूरत होती है, वो हमने इस बार प्रयास ये किया कि डीबीटी ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाए और लगभग 80-90% जो धन है वो डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में तात्कालिक 1-2 दिन के अंदर दे दिया गया। लगभग 45-50 हजार लोगों को हमने शिफ्ट किया, लगभग 30 हजार के ऊपर लोगों को रेस्क्यू किया। इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड सभी ने मिलकर के योगदान दिया। इन जितने भी लोगों को हमने रेस्क्यू किया या शिफ्ट किया इनके लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट्स किए गए और बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में विद इन अ डे और टू हमने कैश डोल्स का वितरण किया और ये कैश डोल्स हमने लगभग 1,60,000 के ऊपर परिवारों को दिया और इसकी रकम भी कई करोड़ में आई। इसी तरीके से हमने जो हाउस होल्ड कैश असिस्टेंट होता है, असिस्टेंस होता है, उसको भी हमने प्रोवाइड किया। जितने लोगों की डेथ हुई जिनका पोस्टमार्टम तुरंत हो सका, ऐसे 22 लोगों को हमने 88 लाख रुपए का जो डेथ असिस्टेंस होता है वो भी हमने प्रोवाइड किया। और अभी फिर से एक स्पेल आ जाने के चलते जो 2-3 तारीख के बीच में फिर से एक बार स्पेल आ गया साउथ और सेंट्रल गुजरात में, सर्वे का काम थोड़ा सा रुका, लेकिन यह है कि अभी सर्वे जारी है और बहुत जल्दी इसको कम्पीट करके हम जो भी डिलीवरेबल्स हैं वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे असिस्टेंस। और एनर्जी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो हमारी रोड और रस्तों का जो वॉश अवे हो गई थी और टॉपिंग के चलते डैमेज हो गई थी उनके लिए हमने उनको पैसा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने भेज दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी तमाम टीमें लगा करके कई, यहां तक कि प्रेग्नेंट लेडीज को भी शिफ्ट किया और जो प्रेगनेंसी के दरमियान मैच्योर प्रेगनेंसी थी उनकी डिलीवरी भी स्मूथली कराई। करीब 88 सब स्टेशन बंद थे एनर्जी डिपार्टमेंट के, वो सारे के सारे 88 सब स्टेशन केवल 2 जगहों को छोड़कर के बाकी सभी जगहों पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू हो गई। तो इस तरीके से ओवरऑल मुख्यमंत्री जी के सतत निर्देश में और उनके मॉनिटरिंग के चलते बहुत तेजी से जो ये पानी बरसा, फ्लैश फ्लड्स आई, उसके चलते जो जनजीवन को नुकसान हुआ उसको हमने बहुत जल्दी प्रयास किया कि खत्म हो जाए और अच्छी तरीके से सेवाएं सुचारू रूप से चालू हो जाए।